कोई मूल्य नहीं है हमारे। हम अरुणाचल वाले वाकई में कोई मायने नहीं रखते आपके लिए, बता ही दीजिए आप एक बार, आप अपनी तरफ से बता दीजिए, खुलकर बोलिए कि तुम लोग जियो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग खाओ या नहीं खाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तुम्हारे अरुणाचल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप मुझे एक बार खुलकर बोल दीजिए मोदी जी। हम आप पर भरोसा करके आए हैं। कुछ कुछ रिपोर्टर्स हमसे पूछते हैं, जब भी हम नीचे आते हैं बाइट्स लेते तो पूछते हैं, अगर आपकी बातों को अनसुना कर दिया तो आप क्या करोगे? उस वक्त हमारे पास जवाब नहीं होता है। और आज यही सवाल मैं आपको इस मंच से पूछ रही हूँ मोदी जी, हम क्या करें? आप ही हमें बता दीजिए हम क्या करें। आप एक निर्देश दे दीजिए, हम करें तो क्या करें? बड़े उम्मीदों के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम आपके पास आए थे और आज भी यहां डटे हुए हैं। हम इस उम्मीद में रुके हुए हैं कि कुछ तो आप बोलोगे, एक शब्द तो बोलोगे हमारे लिए, चाहे अच्छा बोलो या बुरा बोलो कुछ तो बोलोगे। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? क्या आप हमें अपना एक भारत देश का एक अंग नहीं मानते हो, अपना हिस्सा नहीं मानते हो? हम चिंकी आईज वाले, छोटे छोटे नाक वाले, चाइनीज लुक्स के साथ थोड़ा सा सिमिलर होता है, रिजम्बल होता है बोल के, क्या आप हमें ये सौतेलापन व्यवहार कर रहे हो? क्या हम भारतीय नहीं है? हम भारत के टैक्स पेयर नहीं है? अरुणाचल के टैक्स पेयर नहीं है? ये कैसा सौतेला व्यवहार है? आखिर क्यों क्यों इतना अनसुना कर रहे हो? हम क्या करें? हम सारे लोग जो यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं, आपके भाई, आपके बहन, आपके बच्चे, हम कहाँ जाए? आपके अलावा इस देश में और हम किससे बात करें? हम किसके पास जाए? ये जरा खुलकर प्रधानमंत्री जी आप हमें टिप्पणी कीजिए, आप एक बार बोल ही दीजिए, बता दीजिए, क्या सीबीआई की मांग करना गलत है? क्या ईडी की मांग करना गलत है? एक अच्छी जांच की रिक्वेस्ट करना क्या वो गलत है? भूखे प्यासे यहां अपना घर नहीं है, वार नहीं है, घर से जैसे तैसे करके हमारी माताएं सब्जी बेच के, चावल बेच के, पत्थर तोड़ के वहां से दिन में हमें 3,000-10,000 जो भी उनसे हो सकता है वो भेज रहे हैं, सारे अरुणाचल के माताएं भेज रही है, यहाँ तक कि इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट से जो विधवाएं हैं, विधवा माँ लोग जिनके पास पति का सहारा नहीं है, बच्चा भी नहीं है, फिर भी वो विधवा माँ हमारे लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने खून पसीने के सींचे हुए मेहनत की कमाई से हमें यहाँ 100-200 रुपया भेज रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री जी, आपके पास में तो बहुत सारी मशीनरीज है ना गवर्नमेंट की, सरकार की, आप गांव गांव में जासूस भेजिए ना आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, अरुणाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में गांव गांव में जासूस भेजिए, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। 99.9% जनता जो है इस सरकार से ना खुश है, केवल 1% लोग खुश है, क्योंकि वो लोग चापलूसी करके उनकी घर गृहस्थी चलती है। और रही बात बीजेपी की, आपकी पार्टी की, तो बीजेपी के अंदर में भी इतने सारे बीजेपी के कार्यकर्ता है जो ना खुश है, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे पास पूरी लंबी लिस्ट पड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेशन है, पॉलिटिकल मोटिवेशन है, और मैं डे वन से कह के आ रही हूं कि एक्चुअली में इसको पॉलिटिकल मोटिवेशन होना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टियां ये मुद्दा क्यों नहीं उतार रही है, इशू क्यों रेज नहीं कर रही है, जबकि ये काम पॉलिटिकल पार्टियों का होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मुचू मित्ती जी, आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हो ना, हेड हो, ये आपका काम होना चाहिए था कि सरकार करप्शन कर रहा है,
और करप्शन हमें नहीं चाहिए, करप्शन को मिनिमाइज करना है, उसको बंद करना है। ये इशू आपको रेज करना चाहिए था मुच्चू मिट्टी जी, कि मैं एनपीपी पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं अच्छा सरकार दिलाऊंगा आप लोगों को, मुझ पे भरोसा रखिए बोल के आपको जनता के बीच आना चाहिए था। आप क्या कर रहे हो? आप तो तारीफ कर रहे हो कि नहीं सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है, चाहे जितनी मर्जी करप्शन कर ले फिर भी आप अपने आंखों पे पट्टी बांध के रखे हो गांधारी माता की तरह, कि धृतराष्ट्र जी अगर कुछ नहीं देख पाते तो मैं गांधारी भी कुछ नहीं देखूंगी बोल के उसने तो शपथ ली थी ना, आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी पट्टी नहीं खोली। एक बार उन्होंने जिंदगी में, उसकी जिंदगी में एक बार पट्टी खोली तो अनर्थ हो गया। आज मुच्चू मिट्टी जी आपके आंखों में पट्टी क्यों है? आप क्यों भ्रष्टाचार वाले भ्रष्ट कोरी सरकार का आप समर्थन कर रहे हो, जबकि ये आपका काम होना चाहिए था। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मेरे ससुर जी नावम तुकी जी, आप क्यों चुप हो? आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। यहाँ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके वो कितने दिनों से पैदल मार्च कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। और अगर आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में, मैं वैसे कांग्रेस के परिवार से मेरा ज्यादा तालुकात नहीं है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं ऊपर से भी देखती हूँ तो आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश का जो कांग्रेस यूनिट है वो पूरा पवित्र हो चुका है, क्योंकि उसकी सारी गंदगी जो है, कीड़े मकोड़े सारे बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी में जम गए। बीजेपी के पुराने नेता कौन थे? लिची लेजी, किपा बाबू, ताई तगक, तनी लोपा, मालो तरिन, तरिंग तिरी, दुग साहा, हिन्युम तचू, बोकेन कीनो। अगर बीजेपी सचमुच में करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाना चाहते तो आज के डेट में आप लोगों को एमएलए, आप लोगों को मिनिस्टर होना चाहिए था। आप लोगों का वो बीजेपी का आइडियोलॉजी कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो जन आंदोलन कमिटी कोकाई अची तमे पासंग जी का चेयरमैनशिप में? जब कांग्रेस की सरकार थी, तुकी साहब की गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने जन आंदोलन कमिटी फॉर्म की थी करप्शन के अगेंस्ट में। बहुत सारे स्कीम्स पे आपने व्हाइट पेपर मांगा था सरकार से। तो आज वही जो लोग उस वक्त कांग्रेस का कपड़ा पहन के गद्दी पे बैठे थे उनसे आप सवाल कर रहे थे, और आज वही लोग बीजेपी के चादर ओढ़े आपके साथ बैठे तो आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? ऐसे कितने कार्यकर्ता है, अभी देखिए हमारा तगरू काकुम जी को क्यों निकाल दिया बीजेपी से, उनको बिना शो कॉज नोटिस दिए। उन्होंने कौन सा गलत काम किया है? उन्होंने तो सही का साथ दिया है, सच का साथ दिया है, करप्शन के अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई है। करप्शन किसी का दोष नहीं होता है, किसी भी पार्टी का दोष नहीं होता है। और प्यारे पिता आदरणीय मोदी जी, आप कहते हो करप्शन पे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, 0% भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहते हो कि जीरो टॉलरेंस है। गुजरात में इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन सिर पे है, कुछ दिनों के बाद हिमाचल में इलेक्शन आने वाली है, तो आप मतलब इलेक्शन के मैदान में जाकर के क्या बोलोगे? बीजेपी का नारा है जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, तो वो जीरो टॉलरेंस जो है यहाँ 1000% आप टॉलरेट कर रहे हो अरुणाचल में, तो कहाँ गई वो जीरो टॉलरेंस? गुजरात के लोगों को क्या बताओगे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में 1000 गुना में करप्शन चल रही है, फिर भी हम आंखें मूंदे कान बंद करके हम बैठे हुए हैं, चाहे जो मर्जी जितनी मर्जी जिसको जितनी चोरी करनी हो कर ले, जितना गबन करना हो कर ले, हम उस पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम गुजरात में बोलेंगे, हम गुजरात में करप्शन होने नहीं देंगे। ऐसा बोलोगे क्या आप? हम हिमाचल में करप्शन होने नहीं देंगे। मोदी जी, मेरी औकात नहीं है आपसे कुछ भी बोलने की, फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अरुणाचल के करप्शन के इशू के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए,
नहीं तो हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जो पैसे थे जैसे तैसे मैनेज करके हम खा पी रहे, फिर भी हम गुजरात का रास्ता शायद ट्रेन से होके जाता है। थैंक यू। तो हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम जो है आपके पीछे पीछे गुजरात आ जाएंगे। आप जहाँ कहीं भी आप भाषण दोगे हम वहाँ पहुँच कर आपको बताएंगे कि नहीं अरुणाचल में करप्शन है, पहले उसको ठीक कीजिए। और गुजरात के जितने भी हमारे माता पिता होंगे उन सबसे भी हाथ जोड़कर हम विनती करेंगे कि वो हमारी आवाज में अपनी आवाज को हमारे साथ मिलाए और हमारी आवाज बनकर आपसे बात करें। नहीं चाहिए हमें करप्शन, हम उग चुके हैं। इलेक्शन में हमें पैसे